प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पकौड़ा बेचने को भी रोजगार कहने की बात को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसियों ने पकौड़ा स्टॉल लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर के भी सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने पकौड़ा स्टॉल लगाकर प्रधानमंत्री के बयान का जोरदार विरोध किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री जिस चीज को रोजगार कहते हैं तो फिर इतने पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार होता है, तो बिल्कुल मेरे तेलंगाना में भी या कई जगह पे मैं हम लोग जाते हैं वहीं पे भी पकौड़ा बेचने वाला अपने साथियों से भी पूछे गए कि भाई अपने देश के प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि आप लोग भी रोजगार मिला है आपको भी क्योंकि आप पकौड़ा बेच रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं सर एक पकौड़ा बेचने में 100-200 मिलता है अपने को रोज़ में, उसको रोज़गार बोलने से फिर आप लोग क्या करेंगे फिर जो पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से हर जगह पे इसका विरोध हो रहा है। हम युवा कांग्रेस द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को एक नया सोच के हम लोग खुद जो बेरोजगार है हम खुद सभी बेरोजगार इकट्ठा होके जो और अब अपना युवा कांग्रेस साथी इकट्ठा होके हम लोग ये पकौड़ा स्टॉल चला रहे हैं। और हाल ही में जो बजट पेश किया गया है 1 तारीख को जो अरुण जेटली जी के फाइनेंस मिनिस्टर के उनसे, उसमें आप देखें जैसे कि वो मेडिकल का एक इंश्योरेंस का एक लेके आया, उसमें उसका कुछ गाइडलाइंस ही नहीं है। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा सभी 90 विधानसभा में हम लोग पकौड़ा स्टॉल लगाकर फिर जो बजट आया है उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे तब मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2018 आते आते तक वो 2 करोड़ का आंकड़ा 70 लाख में पहुँच गया। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, मोदी जी कहते कि पकौड़ा भी एक रोजगार है। और लगभग 7 से 8 लाख रिक्त पद जो आज भी मौजूद है, मोदी सरकार उसको खत्म करना चाह रही ना कि उसको रोजगार देना चाह रही। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिपर 28, रायपुर। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.